हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी रिविजन ऑन कॉस्टिंग सो आई होप कि आप सभी लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और जो जो चीज़ें हमने रिवाइज की थी उसका आपको बेनिफिट मिला होगा और जिन बच्चों ने ऐप में से टाइम मैनेजमेंट का जो भी कोर्स था वो लिया होगा उसका भी आपको बेनिफिट मिला होगा तो हमने फाइनेंशियल uh, अकाउंटिंग जिस तरीके से रिवाइज किया था सिमिलर वे में हम कॉस्ट अकाउंटिंग को भी रिवाइज करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली exactly कि ऐसे कौन से कौन से टॉपिक्स है जिससे आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड uh, होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है ये लिंक जो है आज के के सेशन का लिंक अपने अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके उसमें शेयर करो सो दैट स्टूडेंट्स कैन अटेंड दिस सेशन एंड जो आपके सिली मिस्टेक्स होते हैं पेपर में जाने से पहले आपको किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट uh, करना है कैसे कैसे चीजों को रिवाइज करके जाना है सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं तो जिन बच्चों ने कल का सेशन अटेंड किया था उनको हंड्रेड परसेंट बेनिफिट मिला ही होगा और जो बच्चे आज पहली बार आए हैं अटेंड करने के लिए ये लाइव सेशन वो लोग एक कमेंट में अपना नाम लिख ले कि दे आर अटेंडिंग दिस सेशन फॉर फर्स्ट टाइम सो दैट आई कैन आल्सो नो एग्जैक्टली कि हाउ मच इंटरेस्टेड एंड हाउ मच ईगर यू आर फॉर रिवाइजिंग ऑल द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सो दैट आई कैन ऑल्सो सी दैट कि आप भी इंटरेस्टेड है एक्साइटेड है फॉर दिस कॉस्ट अकाउंटिंग सेशन लेट मी सी द कमेंट सेक्शन वंस सो दैट आई कैन सी दिस चलो वेरी गुड ऑल ऑफ यू आर कमेंटिंग बढ़िया है और जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स पे लिंक को शेयर करें सो so दैट सभी बच्चे लाइव सेशन अटेंड कर पाए और जैसे ही बहुत सारे बच्चे ज्वाइंट हो जाएंगे वैसे हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे तो आज का जो सेशन होने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा एक टॉपिक का ओवरव्यू लेते हैं तब तक बाकी के भी बच्चे आ जाएंगे अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस्टिंग में जो भी आपको क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे डायरेक्टली ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े कम है टेन टेन मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछने जाने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज चैप्टर्स भले कम हो लेकिन चैप्टर्स के अंदर जो लेवल्स है रिलेटिवली मोर तो इसलिए हम अगर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा कॉशीट क्वेश चैप्टर थोड़ा बड़ा टॉपिक है कॉस्ट चैप्टर की अगर बात करें तो उसमें थ्री लेवल्स के क्वेश्चन है एक नॉर्मल लेवल जिसमें आपको यूनिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता दूसरा लेवल जिसमें आपको यूनिट्स का इंफॉर्मेशन दिया होता है जिसमें हम कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं एंड हमारा तीसरा लेवल दैट इज कॉल्ड एज दी एस्टिमेटेड कॉस्टशीट तो तीनों लेवल आपको ध्यान रखनी है एक पहले एक ओवर व्यू ले लेंगे देन ऑन स्क्रीन भी पढ़ेंगे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कौन से कौन सी चीजों आपको ध्यान रखनी है फॉर यूर your...

उसका बेनिफिट आपको ही होने वाला है अगले जो थ्योरी लेक्चर्स लेके आने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स है मार्केटिंग है टैक्स है उनके सारे भी आपको सेशंस इस तरीके से मिलने वाले हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशनस टाइमली बेसिस पे मिलते रहेगा फॉर दैट पर्पस सब्सक्राइब करके रखें दूसरी चीज सभी जगह पे फॉलो करें देखो टेलीग्राम पे चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम Instagram पे पेज है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम फेसबुक पे पेज है फेसबुक पे आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे है बहुत सारे जगह पे है सब जगह पे फॉलो करके रखें ताकि कहीं पे भी कुछ भी अगर पोस्ट करूंगा तो वी विल बी इन कनेक्टेड विथ ईच अदर दूसरा एक लास्ट मिनट रिवीजन का एप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में वो भी डाउनलोड करें अगर आपको कंफ्यूज होता है यूट्यूब में वीडियो ढूंढने को तो आप स्टोर पे डाउनलोड करें उसमें study material का है, उसमें सब कुछ आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट में सारे वीडियोस मिलेंगे बहुत सारी चीजें वहां पे फ्री है और कुछ चीजें पेड भी है अगर आपको फ्री का ही देखना है आप फ्री का भी देख सकते हैं काफी अच्छा बेनिफिट आपको वहां पे मिलेगा बिकॉज जो जो पीडीएफ्स होते हैं जो मैं YouTube में शेयर नहीं कर सकता हूं वो मैं वहां पे शेयर करता हूं तो ऐप डाउनलोड करना ना भूले और कॉस्ट अकाउंटिंग का टाइम मैनेजमेंट का भी एक कोर्स उसमें डाला है अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चेकआउट कर सकते हैं तो पहला जो टॉपिक है चलो बहुत सारे बच्चे आ गए बहुत बढ़िया पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग का दैट इज कॉस्ट शीट

एड कौन सी चीजें करनी है लेस कौन सी चीजें करनी है उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया था तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको ये जो एड और लेस का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो पाए एकदम शॉर्ट ट्रिक बताया है वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि विच पॉइंट वी विल एड एंड विच पॉइंट वी आर गोइंग टू लेस दैट इज पॉइंट ऑफ रिकन्सिलेशन तो अगर क्वेश्चिट के ऑप्शन में रिकनसिलेशन आता है ऐसा नहीं की क्वेश्चि के ऑप्शन में ही रिकन्सिलेशन आएगा बट अगर क्वेश्चीट के ऑप्शन में रिकनसिलेशन आता है तो आपको दोनों चैप्टर्स कंफर्टेबल होने चाहिए सो so दैट आप सारी चीजें प्रॉपरली सॉल्व कर पाए तो क्वेश्ची उसके ऑप्शन में रिकनसिलेशन आया तो 20 20 मार्क्स के दो क्वेश्चन हो सकते हैं और अगर अलग से क्वेश्चन आया तो भी आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ के जाने बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स है जो 20 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं अगर हम हमारे अगले टॉपिक में जाए दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग तो मटेरियल कॉस्टिंग में एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चों को इजी भी लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको एग्जाम में सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और वो है दैट इज द स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट दैट इज फीफो

एंड दैट इज द्स मैक्सिम लेवल रीऑर्डर लेवल ऐसे भी लेवल्स वाले भी क्वेश्चन है एक तो वो है लेकिन उसके साथ दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईओ क्यू तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो आपको ध्यान रखना है सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा ऑन स्क्रीन सब लिख के बताऊंगा तो ये जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि ओवरऑल आपको पॉइंट पता चल जाए जो बच्चे आज ज्वाइन कर चुके हैं लाइक का बटन दबाए मैं लाइक इसलिए कहने करने के लिए कह रहा हूं बिकॉज जितना आप लाइक करेंगे यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा और बहुत सारे बच्चों तक ये जो वीडियो है वो पहुंचेगा और सारे बच्चों का रिविजन हो पाएगा अभी कल एग्जाम है लेकिन आज जिन जिन पे ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो सारा अगर आप फॉरवर्ड करोगे अपने फ्रेंड्स को तो काफी अच्छा बेनिफिट सभी को मिल पाएगा तो हमारा मटेरियल कॉस्टिंग हमने डिस्कस कर लिया मटेरियल कॉस्टिंग में विल बी हैविंग वेटेड एवरेज एंड के के ध्यान से पढ़ जाए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो फॉर्मुला यूज करते हैं आप रूट ऑफ टू इंटू एड सी तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस भी आप ध्यान से पढ़ के जाए बिकॉज वहां से पूछ सकते हैं नंबर सेकेंड जो चैप्टर है आपका दैट इज लेबर कॉस्टिंग ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है कंपेरिटिवली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो अगर हम ओवरऑल लेबर कॉस्टिंग की बात करें तो लेबर कॉस्टिंग में देर आर मेनी इंसेंटिव प्लान बोनस कैल्कुलेशन के लिए बहुत सारे प्लान है इसमें हेल्से प्लान रोवन प्लान फिर गैन बोनस प्लान ऐसा बहुत सारा है लेकिन उसमें से आप हेल्से और रोवन के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाए हेल्से और रोवेन का क्वेश्चन कैसे करना है अगर आपको नहीं आता है तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो आप जाके वीडियो सेक्शन में जाके हेल्से और रोवन प्लान का भी क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपके हेल्से प्लान और रोवेन प्लान के जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो पाए सो लेबर कॉस्टिंग इज वन ऑफ द टेक्निकल टॉपिक वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक अगर आप हेल्से और रोवेन प्लान के पॉइंट के बाद के टाइप के क्वेश्चन देखे तो वो डियरनेस अलाउंस ग्रॉस वेजेस वेजेसई कॉन्ट्रीब्यूशन उस टाइप के भी क्वेश्चन एक दो ईयर पेपर में पूछे गए हैं तो वो टाइप के भी क्वेश्चन रखें बिकॉज लेबर कॉस्टिंग में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस है ऐसा मुझे लगता है तो उस चैप्टर को अगर आप परफेक्टली पढ़ोगे तो वहां से जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में दैट यू कैन इजिली मैनेज टू सॉल्व तो लेबर कॉस्टिंग में हेल्थ रोविन प्लान एंड कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है ग्रॉस वेजेस वगैरह का वो भी आप डीए वाला क्वेश्चन वो भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के रखें उसके बाद हमारा जो टॉपिक है काफी इजी टॉपिक है और काफी सिंपल टू स्कोर है बिकॉज ये टॉपिक में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस है एंड दैट इज दी ओवरहेड्स कॉस्टिंग तो ओवरहेड्स कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ओवरहेड्स कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स वेरी वेरी इजी आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिए रहेंगे और बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए रहेंगे ओवरहेड्स दिए रहेंगे और कौन से एक्सपेंसेस को कौन से रेशियो में बांटना है वही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप रेशियोज में प्रॉपरली डिवाइड कर लोगे तो आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ओवरहेड्स कॉस्टिंग में जो सबसे पहली लेवल आएगी दैट विल बी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स एंड ओवरहेड्स कॉस्टिंग में जो दूसरी टाइप की लेवल आएगी दैट विल बी मशीन आर रेट तो मशीन आर रेट जो टाइप के क्वेश्चन है जैसे रनिंग एक्सपेंसेस है फिर उसमें कैलकुलेशन है फिक्स कॉस्ट है रनिंग एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो बेसिकली फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऐसे दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं तो अकॉर्डिंगली आप उसमें बाइफरकेशन करेंगे पेट्रोल डीजल का कैलकुलेशन करेंगे मशीन का रेट ढूंढेंगे पर आर पर आर के बेसिस पे रेट्स कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली दैट इज बीन रिलेटेड विद योर ओवरहेड्स कॉस्टिंग तो ओवरहेड्स कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो दो टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर पूछे जाएंगे एक होगा आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स और दूसरा होगा आपका मशीन आर रेट तो दिस जस्ट एन ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया exactly कि कौन से चैप्टर पे क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अब हम एग्जैक्टली exactly स्टार्ट करते हैं रिविजन और उसमें हम देखेंगे हर टॉपिक वाइज आपको कुछ चीजें बताऊंगा हर टॉपिक वाइज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आप ध्यान रखोगे तो

इसीलिए ये लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियोस मैंने आपके लिए लाए हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लाइव सेशंस आपके लिए लाए हैं तो वो अभी हम स्टार्ट कर लेंगे कि किस तरीके से हर टॉपिक वाइज आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करता है तो चलते हैं स्क्रीन पे और एक दूसरी चीज स्क्रीन पे जाने से पहले लाइव सेशन जो अभी हम कंडक्ट कर रहे हैं वो सारे सेशन आपको ऐप आप में भी अवेलेबल होने वाले है तो ये ऐप डाउनलोड करना आप ना भूले और टाइम मैनेजमेंट अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में चाहिए तो उसका भी एक कोर्स अवेलेबल है ऐप में वो भी जाके आप ले सकते हैं तो चलते हैं स्क्रीन पे और पहला टॉपिक रिविजन का स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें आपके मेजर चीजों पर फोकस करना है दैट इज कॉस्टशीट सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिवीजन एंड दैट इज कॉस्टशीट अभी मैंने जैसे आपके साथ बात की कि कॉस्टशीट जो टॉपिक है इस कॉस्टशीट टॉपिक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो है फॉर्मेट ठीक है पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मेट पे बेस है बीस uh, मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली कॉस्ट शीट पे आ सकता है अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें तो वी हैव थ्री लेवल्स ऑफ कॉस्ट शीट नंबर फर्स्ट एक नॉर्मल लेवल है जिसको हम नॉर्मल लेवल कहते हैं जिसमें यूनिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए होंगे नंबर सेकंड अगर बात करें तो आपको जिसमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है दैट इंडिकेट्स कि आपको क्वेश्चन में यूनिट्स का इंफॉर्मेशन दिया होगा नंबर थर्ड यू विल बी हैविंग कॉस्ट शीट अब ये तीन टाइप के क्वेश्चन शीट के चैप्टर में आपको सिलेबस में है इन तीनों में से एक टाइप आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ये तीनों में एक ही खासियत है तीनों में एक ही सिमिलैरिटी है एंड दैट इज द फॉर्मैट तो अनलेस अनटिल यूर फॉर्मैट इज क्लियर दिस चैप्टर विल बी डिफिकल्ट फॉर यू बट दिस चैप्टर कैन गिव यू मार्क्स मार्क्स बिकॉज इस टॉपिक में आपको पोस्टिंग के marks मिलेंगे तो अगर पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको यह चीज पढ़नी है कि कौन सा एक्सपेंस कहां आएगा तो उसका एक मैं आइडिया बता हूँ आपको जितने भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए हैं अब तक वो सारे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व नहीं करना है आपको वो सारे क्वेश्चन में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि जैसे कि एक पॉइंट है हॉलेज अब ये हॉलेज किधर आएगा फैक्ट्री में आएगा कि डायरेक्ट मटेरियल में आएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो ऐसे टाइप के पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं जो कहाँ आएंगे जिन बच्चों को आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि हॉलेज कहां पे आएगा तो ऐसे आपने पहले ही लिस्ट बनानी चाहिए थी लेकिन अगर नहीं बनाई है तो नो no प्रॉब्लम आप क्या करें जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए उसमें ऐसे कोई भी पॉइंट्स आपको दिखते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं तो उसको देख ले एक बार और पता चलेगा आपको कि एग्जैक्ट

अगर आप ये सारे को प्लस करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा प्राइम कॉस्ट है मैं थोड़ा सा फॉर्मेट ही रिवाइज करवा देता हूँ प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में सारे फैक्ट्री के खर्चे आएंगे जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं सारे आप इसमें लिखोगे देन उसमें अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो भी आप लिखोगे तो यू विल बी गेटिंग दी आंसर एज वर्क कॉस्ट ठीक है वर्क कॉस्ट हम उसको कहेंगे उसके बाद आप ऐड करोगे आपका ऑफिस का खर्चा दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बहुत ही सिंपल है तो आपको मिल जाएगा आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है काफी सिंपल फॉर्मेट है आई थिंक आप सभी को ये फॉर्मेट पता होगा अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद आपको इसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो वो आप इसमें ऐड करोगे फिर आपको आंसर मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट ऐड करोगे फिर आपको आंसर मिलेगा सेल्स ये है सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ दी कॉस्टिट इसके अंदर फिर आप पॉइंट्स प्रेजेंट करते जाते हो आई होप कि आपको ये फॉर्मेट पता होगा अगर पता है तो आपने आपका रिवीजन हो गया है और अगर नहीं पता है तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल के रखे जिन बच्चों को लास्ट में डर लगता है कि कैसे मैं कल के पेपर में पास होऊंगा तो आप वीडियोस जाके देखें बहुत सारी चीज़ें आप सॉल्व कर पाएंगे वो सारे वीडियोस मैंने इसी तरीके से बनाए हैं कि जो बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं देखो जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है ऑलरेडी क्लेवर है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं वो पढ़ ही लेगा लेकिन जो बच्चे लास्ट क्लास में पढ़ते हैं पहले पहले टाइम पास करते हैं लास्ट में फिर इधर उधर देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly अभी क्या पढ़ू क्या नहीं तो वो इस चैनल का मेन मेरा ऑब्जेक्टिव या पर्पज़ भी वही है कि उन लोगों को बेनिफिट मिले और बाकी सारे बच्चे जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें बेनिफिट मिलने ही वाला है बिकॉज यू हैव स्टडीड एवरी थिंग ऑलरेडी सो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉशिड यूनिट्स का कॉलम आप जब भी कैलकुलेट करो तो आपको याद रखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप सारी चीजें प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन से डिवाइड करोगे तो आपको सी मिलेगा और सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके आप सारी चीजें सेल से डिवाइड करोगे तो आपको सी मिलेगा आई होप कि कॉस्टशीट का जितना खासा बेस है वो मैंने आपका रिवाइज करवा दिया है अभी हम हमारे अगले टॉपिक में जाते हैं जैसे कि रिकन्सिलेशन तो रिकन्सिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा मैंने इसका शॉर्टकट ऑलरेडी आपको बता के रखा है रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो इसमें सबसे पहला बेस है फॉर्मेट किसका फॉर्मैट कॉस्टशीट का फॉर्मेट तो इसीलिए अनलेस एन अनटिल यू नो द कॉस्ट शीट यू कैनॉट सॉल्व द रिकनसिलेशन बिकॉज कॉस्टशीट के फॉर्मेट से हमको कॉस्टिंग का प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा तो वी नीड टू कैलक्यूलेट द प्रॉफिट ऑफ कॉस्टिंग फ्रॉम दॉशीट उसके बाद हम क्या करेंगे फाइनेंशियल का प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके बाद हम क्या करने वाले हैं डिफरेंस टेबल बनाएंगे सो वी विल बी प्रिपेरिंग डिफरेंस टेबल हम डिफरेंस टेबल में ये ढूंढने वाले हैं कि कॉस्टिंग में और फाइनेंस में जो अलग अलग पॉइंट है उनका जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आइर माइनस होगा या फिर प्लस होगा माइनस होगा कि प्लस होगा उसके लिए एक वीडियो है चैनल पे तो वो अभी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे और फिर उसके बाद आपका रिवीजन बाकी के टॉपिक्स का भी करना है तो वो वीडियो आप जाके देखना कौन सा पॉइंट ऐड करने का कौन सा पॉइंट लेस करने का फिर तीसरा जो है तीसरे में आप क्या बनाओगे तीसरे में आप बनाओगे स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट बनाओगे आप रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट बनाओगे तो यू विल बी प्रिपेयरिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन द थर्ड पार्ट सो वाई एल सॉल्विंग दिस रिकनसी स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट यूनिट टू प्रीपेयर कॉस्ट शीट कैलकुलेट द कॉस्टिंग प्रॉफिट सेकेंड पार्ट यू हैव टू प्रीपेयर द डिफरेंस टेबल सी दैट विच पॉइंट्स वी आर गोइंग टू एड एंड थर्ड पॉइंट आपको प्रिपेयर करना है रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट अगर एक दूसरे के ऑप्शन में कॉस्टशीट के ऑप्शन में अगर रिकन्सिलेशन आता है तो हो सके तो कॉस्ट शीट को ही सॉल्व करो देट विल बी बेटर फॉर यू टू सोल्व दैट पार्ट उसके बाद अगर हम मटीरियल कॉस्टिंग में जाए तो मटीरियल कॉस्टिंग जो आपका टॉपिक है अभी तीन पार्ट है फिर मटीरियल कॉस्टिंग लेबर और ओवर तो मटेरियल कॉस्टिंग में सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो है आपका फीफो और वेटेड एवरेज ये बहुत ही सिंपल है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है और इसमें बहुत सारे बच्चों को फुल मार्क्स भी मिलते हैं अगर दोनों के दोनों पॉइंट्स पूछे तो दे कैन आस्क फॉर टेन और टेन मार्क्स या अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि बीस मार्क का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन पूछ ले तो इट डिपेंड्स कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है जो सेकेंड टाइप है इसमें दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई होप कि आपको फॉर्मूला पता है रूट ऑफ टू इंटू ए इंटू ओ डिड बाई सी एज द एनुअल कंजम्शन ओ इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सी इज द कैरिंग कॉस्ट तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और उस क्वेश्चन में से ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना सीखे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे ढूंढने का उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है मैंने सारा बनाया है जो लोग अभी पहली बार आए होंगे उनको ये सारी चीजें एक बार ढूंढने पड़ेगी चैनल पे कॉस्टिंग का प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके ढूंढ सकते हैं आप आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको ऐसा अभी कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास कि मुझे ईओ क्यू नहीं आता है मैं क्या करूँ कौन पढ़ाएगा नेवर द लेस एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर जाके जस्ट चेक करना है ताकि आपको ईओ क्यू के टाइप का क्वेश्चन आ जाए जितने भी टाइप आज तक यूनिवर्सिटी के पेपर में आए हैं सारे आपको मिल जाएंगे दैट इज नंबर सेकेंड फिर नंबर थर्ड एक लेवल्स का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप अगर ये दोनों चीजें भी करके जाओगे तो मटेरियल कॉस्टिंग का हमारा टॉपिक जो है वो हो जाएगा मटेरियल कॉस्टिंग के बाद हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ लेबर कॉस्टिंग तो लेबर कॉस्टिंग का भी मैंने एक वीडियो बनाया था लेबर कॉस्टिंग पे हेल्से लो रोवन प्लान कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने सिखाया है तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं तो इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक आएगा आपको हेल्से प्लान एक आएगा आपको रोवन प्लान टाइम बेसिस पे भी कभी कभी पूछते हैं और दूसरा आपको आएगा वो ग्रॉस वेजेस टाइप दो वेजेस कैलकुलेट करना है जिसमें डीए रहेगा जिसमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रहेगा दिस टाइप के क्वेश्चंस आपको लेबर कॉस्टिंग में पूछे जा सकते हैं दोनों लेवल के क्वेश्चंस पढ़ के जाना बिकॉज दिस इज द चैप्टर विच इज लिटिल बिट ट्रिकी आई वॉन्ट से कि दिस टॉपिक इज लिटिल बिट डिफिकल्ट थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स होता है बच्चों को तो ये चैप्टर जरा ध्यान से पढ़ के जाए बिकॉज वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द पेपर

हो जाएंगे अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ ओवर हेड्स कॉस्टिंग वेरी वेरी सिंपल टॉपिक इस टॉपिक में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं सबसे पहला जो आपके लिए क्वेश्चन आएगा वो होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर ठीक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर बहुत ही सिंपल है इसमें आपको रेशोस कैलकुलेट करने हैं और ये जो रेशोज़ आप कैलकुलेट करोगे वो रेशोज अगर आप एक बार भी सही कैलकुलेट कर लिए तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू जैसे कि अभी बहुत सारे पॉइंट आते हैं फ्लोर स्पेस लाइट पॉइंट्स डायरेक्ट वेजेस फिर हॉर्स पावर ऑफ मशीन तो वो सारे पॉइंट्स में आपको क्या दिया जाएगा वो सारे पॉइंट्स में आपको दिया जाएगा कि ये पॉइंट्स को कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है उसके लिए सिर्फ आपको रेशोस का यूज़ करना है और रेशोज़ के यूज़ करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है और वो टोटल ओवरहेड्स बन जाएगा लेकिन इसमें ये दो पॉइंट्स में आपको बताता हूँ बिकॉज कभी कभी क्या होता है इसमें दो टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं एक होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है आपका सर्विस डिपार्टमेंट ध्यान से है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है आपका सर्विस डिपार्टमेंट अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में करना क्या है आपको तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ठीक है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे ये सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में ही आएंगे तो आपको क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा आपको सीधा सर्विस डिपार्टमेंट में लिखना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखना है और अगर ऐसा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया ही नहीं होगा ए बी सी डी ऐसा दिया होगा तो दैट इज़ नथिंग तो उसमें फिर कुछ कैलकुलेशंस में ये सारी चीज़ें आएंगी ही नहीं नॉर्मल हमारा पॉइंट कंसिडर होगा जैसा आप नॉर्मली रेशियोज में बांटते हैं वैसे ही होगा तो इसमें आपको सीखना क्या है इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ सीखनी है कि कौन सा रेशियो कौन से पॉइंट के लिए हम यूज करने वाले हैं जैसे रेंट है तो फ्लोर स्पेस पे डिवाइड होता है मेंटेनेंस है तो किसका होता है मेंटेनेंस मशीनरी का होता है फिर डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन भी किसका होता है मशीनरी का होता है तो अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी इस चैप्टर में एक दूसरा जो पार्ट आता है इस चैप्टर में एंड दैट इज़ मशीन आर रेट ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी पढ़ के जाए मशीन का रेट ढूंढना है आवरली बेसिस पे मशीन आर रेट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें देखो आप दो टाइप के कॉस्ट में पॉइंट्स को डिवाइड करते हो नंबर फर्स्ट इज द स्टैंडिंग चार्जेस तो जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो आपका जो स्टैंडिंग चार्जेस में सारे पॉइंट्स आते हैं रेंट जनरल लाइटिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वर्कशॉप सुपरविजन सैलरी है तो इसका एक ट्रिक बता दो तो आपको याद रखने के लिए एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस और एक होता है रनिंग चार्जेस ठीक है स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस में आपको क्या करना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है अगर हम रनिंग चार्जेस की बात करें तो डेप्रिसिएशन आपको एक याद रखना है पावर आपको एक याद रखना है और मेंटेनेंस मेंटेनेंस बोल सकते हैं या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोल सकते हैं तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये दिस थ्री पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर तो ये तीन पॉइंट्स आपके जाएंगे रनिंग एक्सपेंसेस में रनिंग चार्जेस में और बाकी के जितने भी पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे वो सारे के सारे आपका स्टैंडिंग चार्जेस में जाएगा तो एवरीथिंग विल बी इन द स्टैंडिंग चार्जेस एक्सेप्ट दिस थ्री एंड दैट विल बी डेप्रिसिएशन पावर रिपेयर एंड मेंटेनेंस यही थोड़े कैलकुलेटिव है तो ये अगर कैल्कुलेशन आप सही तरीके से कर लोगे तो आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि, कि किस तरीके से चैप्टर के बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन अगेन आई विल टेल यू सारी चीजें पढ़ के जाए कुछ भी चीज ऑप्शन में ना रखे अगर आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे तो आपके पास पेपर में हंड्रेड परसेंट ऑप्शन रहेगा एंड जो जो चीज आपको कंफर्टेबल है वो वो चीज आप सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का सेशन देखना है तो ऐप पे जाइए स्टोर सेक्शन में जाइए वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट कॉस्टिंग के पेपर में किस तरीके से टाइम मैनेज करना है वो आपको वहां पे मिल जाएगा आई होप दिस सेशन वॉज इंटरेस्टिंग आई होप कि इसको इसके बेसिस पे आपको कल के पेपर में बेनिफिट मिलेगा कल हम इसी टाइम को छः बजे इकोनॉमिक्स के सेशन पे मिलेंगे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स तो चैनल पे बने रहे सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर ले सो so दैट वीडियो और लोगों तक पहुँच जाए और प्रमोट हो पाए थैंक यू वेरी मच विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर थैंक यू बाय बाय